और राम जी की लड़ाई क्या ही बना दी, माता सबरी का तो अलग ही मजाक बना दिया था। सारी की सारी रामायण की तो स्टोरी बदल के रख दी, चाहे वो इंद्रजीत हो या फिर हनुमान जी, चाहे वो कैरेक्टर्स की ड्रेस हो या फिर संजीवनी बूटी, सब बदल के रख दिया। जिसमें से पहला चेंज है वरदान में। जब रावण ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि ना कोई देवता, ना कोई कंदर्प, यक्ष, भूत, पिशाच, असुर और राक्षस किसी के हाथों रावण मारा नहीं जाएगा। लेकिन आदि पुरुष के ब्रह्मा जी ने तो अलग ही वरदान दे दिया। उन्होंने रावण से खुश होकर कहा, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। मैं आदि पुरुष की टीम से बस एक बात कहूंगा, बस एक, कि भाई मेरे 600 करोड़ फूकने से पहले ये पता कर लेते कि ये वरदान त्रेता युग के रावण को नहीं, सत्ययुग के हिरण कश्यप को मिले थे, जिनका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्या होगा, जब सुपर्णखा सीता माता को परेशान करती है तो लक्ष्मण जी सुपर्णखा की नाक काट देते हैं, जिसके बाद सुपर्णखा पहले उस राज्य के राजा खरदूषण के पास जाती है। जब वो राजा हार जाता है उसके बाद सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास जाती है, लेकिन वो सबके सामने भरी सभा में जाती है और वहाँ पर सभी लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, सुपर्णखा अकेले में रावण को सारी बातें बताती है। और वैसे भी ये आदि पुरुष वाले अगर भरी सभा दिखाते तो सभा में बोलने वाले कौन होते, वो रॉन्ग टर्न मूवी के राक्षस जिन्हें बोलना तक नहीं आ रहा था। अगला चेंज सुनने से पहले ये देखो, ये है मारीच, जो पहले राक्षस हुआ करता था परंतु वो सारे बुरे काम छोड़कर वो सन्यासी बन गया था। इसी वजह से मारीच का जो रूप है वो काफी अच्छा दिखाया गया था। और मैं तुम्हें बता दूं, ये वही मारीच है जिसने सोने के हिरण का रूप लिया था रामायण के अंदर। ये मारीच देख लिया, अब इस मारीच को देखो, सारा मूड ही खराब कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था, रावण आया था साधु के बेस में जो सीता माता को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। हाँ, ये चीज तो सेम आदि पुरुष में भी ठीक है, पर सीता माता इतना इजीली लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आती। रावण जब श्राप देने लग जाता है कि तुम्हारा पति जिस स्वर्ण मृग के पीछे पीछे बाहर उड़ रहा है, वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को मारने वाला है। इस श्राप के पूरे होने से पहले सीता माता डर कर रावण को रोक देती है और बाहर आ जाती है। लेकिन आदि पुरुष वाले सीन में दो बात विवाद होती है, उसी में जानकी बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन ये है कि जब राम भगवान स्वर्ण मृग को मार देते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो एक माया थी, तो वो वापस जाते हैं अपनी कुटिया में, लेकिन वहाँ पर उन्हें सीता माता नहीं मिलती और ना ही उन्हें कुछ समझ आता कि हुआ क्या है। लेकिन आदि पुरुष में एक साइड तो रावण सीता माता को चमकादड़, आई रिपीट, चमकादड़ में लेके जा रहा होता है और दूसरी साइड राम और लक्ष्मण उनका पीछा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चेंज भी इसी के जस्ट बाद में ही है। जब लंकेश जानकी माता को लेके जा रहे होते हैं अपने पुष्पक विमान में तो उनका पीछा जटायु करता है, लेकिन रावण उनका पर काट देता है, जिसके बाद वो जमीन पर पड़े पड़े राम राम पुकार रहे होते हैं। वही राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जटायु के पास पहुंच जाते हैं, तो जटायु उन्हें बताते हैं कि सीता माता को कौन लेके गया और किधर लेके गया है। और वही जैसा मैंने बताया, राम जी और लक्ष्मण जी पहले ही रावण का पीछा कर रहे होते, तो जटायु उन्हें पहले ही मरा हुआ मिला था, मतलब उन्हें अपने आप ही पता था कौन है, कहां गया है। नेक्स्ट चेंज पर तो मुझे गुस्सा ही आ गया। हुआ क्या था, जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह, तो एक जगह माता सबरी फूलों का मार्ग सजा रही होती है अपने प्रभु श्री राम के लिए कि वो आएंगे। ये कार्य वो हर दिन क्या करती थी, और किसी साधु तक को वो फूलों पर से नहीं जाने दिया करती थी। जिसके बाद फाइनली श्री राम और लक्ष्मण सबरी से मिलते हैं, तो इतना प्यारा मीटअप होता है कि वो सीन तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे, इमोशनल कर दे। पर इन बड़ी कोठी बंगले वालों ने बिना कोई रिसर्च करे सीन की रेड़ मार के रख दी। इन्होंने दिखाया माता सबरी खुद चलकर राम और लक्ष्मण के पास आ रही है, और लक्ष्मण उन पर तीर दिखाकर कहते हैं कि अपना परिचय दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, इससे पहले बुढ़िया का वो अलग, उसके बाद वो झूठे बेर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं बेर खाने के लिए, जो कि रेफरेंस था लक्ष्मण जी राम जी की कितनी इज्जत करते हैं, दोनों में कितना प्यार है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। अगला चेंज भी बहुत वाहियात क्या है आदि पुरुष के मेकर्स ने। जब राम जी और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी आते हैं साधु बनकर, तो उनमें आपस में बातें बात होती है जो कि सारी की सारी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर होती है। पर आदि पुरुष मूवी में तुम्हें पता लक्ष्मण जी कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, जो फेसबुक पे नहीं आते, जिनके हमें कमेंट में आंसर देने होते हैं, वैसे क्वेश्चन कर रहे थे हनुमान जी से, बताओ। जिसके तुरंत बाद राम जी और हनुमान जी सीधे गले मिलने लग जाते हैं, जबकि हनुमान जी पहले पैरों को लगते हैं राम जी के। नेक्स्ट सीन था उसमें वो बाली और सुग्रीव के युद्ध में। रियलिटी में हुआ ये था, पहले एक बार लड़ते हैं बाली और सुग्रीव, फिर अगले दिन दोबारा लड़ते हैं और उसी में राम जी उनका वध कर देते हैं बाली का। ये नॉर्मल और सिंपल स्टोरी थी, लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स को पता नहीं क्या चल रही, इन्होंने एक ही फाइट कराई लेकिन उसमें भी बॉलीवुड वाले लॉजिक घुसा दिए। पता नहीं क्या था, वो पहाड़ गिर रहा है, वहाँ पर सुग्रीव सबको बचा रहे हैं, पीछे से बाली उन्हें मारने आ रहा, वहीं पर उसका वध हो जाता है राम जी के हाथों, पता ही नहीं क्या करना चाह रहे थे। अगला चेंज भी बहुत बकवास है। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के आगे लाया जाता है तो रावण भरी सभा में सबके आगे बैठा होता है, जिस सभा में सभी मंत्री अपना अपना अलग अलग फैसला सुनाते हैं। लेकिन आदि पुरुष में ना कोई सभा ना कुछ, इन्होंने पता नहीं क्या वो बेल्डिंग किसी दुकान खोल रखी थी, वो आयरन मैन रावण का तो मजाक ही बना दिया। और भाई वो डायलॉग हनुमान जी का, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, क्या फूक के स्क्रिप्ट लिखी थी भाई तुमने। अगले चेंज में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें तो कोई चेंजेस भी नहीं होने चाहिए थे भाई। राम सेतु एक ऐसा
ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसे जैसा है वैसा ही दिखाओ। जैसे जब राम भगवान ब्रह्मा चलाने वाले होते हैं समुद्र पर तो प्रकट होकर माफी मांगता है कि वो अपनी पूजा में विलीन था। फिर उससे राम भगवान पूछते हैं कि इस समुद्र को पार कैसे करें, तो वो बताता है कि नल और नील नाम के दो भाई हैं जिन्हें शराब मिला हुआ था कि वो जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। इसके अलावा श्री राम कहते हैं कि उनका ब्रह्मा से जब एक बार धनुष पर चढ़ जाए तो उसे वापस नहीं रख सकते, तो समुद्र देव उन्हें तीर उत्तर दिशा में चलाने के लिए कह देते हैं। फिर राम जी की सेना पत्थर लाती है, हनुमान जी राम जी के मुंह में हर पत्थर पर श्री राम लिख देते हैं और वो पत्थर नल और नील के द्वारा समंदर में फेंके जाते हैं जिससे राम सेतु बनता है। सिंपल था, लेकिन आदि पुरुष में क्या हुआ, राम जी ने ब्रह्मा चढ़ाया, समुद्र देव आए, उन्होंने कहा आप अपनी सेना से कहिए आपका नाम लेकर मुझे पत्थर फेंके मैं डूबने नहीं दूंगा, बस खत्म। और वो ब्रह्मा जो चढ़ाया था वो भी वापस रख लिया। भाई 600 करोड़ का गांजा फूका था आदि पुरुष मूवी वालों ने, राम सेतु की इतनी प्यारी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी आने वाली जनरेशन पर कभी सोचा है? अगला चेंज है जब विभीषण पहली बार राम जी से मिलने आते हैं तो वो अपने साथ कुछ मंत्रीगण भी लाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ आते हैं, लेकिन मूवी में विभीषण ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चोरी करके भागेगा और वो देखो साथ में अपनी बीवी को भी ले आया, जबकि त्रेता युग में लेडीज का ऐसे आना वर्जित था। और ऊपर से विभीषण और उसकी बीवी आपस में बात भी तो कैसे कर रहे थे रावण का सिंहासन लेने की, जैसे अनुपमा में बरखावा भी अनुज की प्रॉपर्टी ले रही हो, मतलब हद है यार। अगला चेंज है जब एक फ्लैशबैक आता है श्री राम का जिसमें वो अपने पिता दशरथ जी से बात कर रहे होते हैं। उस जगह क्या किया भाई इन्होंने, राम जी को ज्यूस बना रखा है। भाई वो सनातनी थे ना कि किसी आश्रम के कथावाचक, थोड़ा तो ड्रेसिंग सेंस रख लेते, थोड़ा तो कैरेक्टर डिजाइन कर लेते, 600 करोड़ में ये भी नहीं हो पाता क्या? और हाँ वो क्या ही सीन था सीता माता को रणभूमि में दिखाने वाला, मतलब कुछ भी दिखा रहे हो, कितना भद्दा मजाक था वो भाई, उसे देख के कितना अजीब लग रहा था। अगला चेंज तो क्या ही डिजास्टर था भाई, पूछो ही मत। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते तो जैसे तैसे संजीवनी के पहाड़ तक पहुँचते हैं तो वहाँ जाके थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी संजीवनी रूटी है, क्योंकि सारी की सारी एक जैसी दिख रही थी और उन पर समय भी कम था जिस वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ी लेके चले जाते हैं। पर बीच रास्ते में श्री राम के भाई भरत कोई मायावी राक्षस समझकर उनमें तीर मार देते हैं, पर एट दी एंड वो जैसे तैसे पहुंच ही जाते हैं जिसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। तो जब वैद्य होते हैं वो हनुमान जी से कहते हैं कि इस पहाड़ को वापस रख के आना होगा क्योंकि भविष्य में किसी को भी संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है। पर मेरे भाई देखो आदि पुरुष वालों ने क्या किया, हनुमान जी ने आराम से संजीवनी पहचान ली और बोले मन में कि संजीवनी की जरूरत तो सबको पड़ेगी और सीधा पहाड़ लेके वापस आ गए, जिसके बाद संजीवनी लक्ष्मण जी की तो लगाई लगाई पूरी सेना तक के लगा दी भाई, और वो पहाड़ भी वहीं के वहीं छोड़ दिया, उसे वापस ही नहीं रख के आए। अगला चेंज है उस छपरी फ्लैश का जिसे इंद्रजीत बना दिया गया। तो रियलिटी में ये हुआ था, इंद्रजीत को वरदान मिला हुआ था जब भी वो अपनी कुल देवी निकुम्भिला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, जब भी वो उस रथ पर होगा ना तो उसे कोई हरा पाएगा ना ही मार पाएगा। तो ये बात विभीषण ने राम जी और लक्ष्मण जी को बता दी थी, जिसके बाद जब इंद्रजीत यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ को सफल नहीं होने देते, जिसके बाद लक्ष्मण जी उनका वध कर देते हैं। लेकिन पता है आदि पुरुष में क्या बताया, इंद्रजीत जब भी उस स्विमिंग पूल में होगा येलो कलर वाले में तो उसकी शक्ति काम नहीं करेंगी, जिस वजह से लक्ष्मण जी उसे पानी में ले जाके अंदर ही मार देते हैं। अगला चेंज वो था जो पुष्पक विमान था ना चमकादार जैसा, उसकी और हनुमान जी की फाइट होती है। मतलब एक चीज सोच के देखो, मूवी के मेकर्स ने कैसे सोचा होगा कि अगला सीन होगा हनुमान जी वर्सेस पुष्पक विमान, और हां लास्ट में एक और दूसरा पुष्पक विमान भी दिखाया था। क्या ही लॉजिक लगाए हैं भाई, ये सब तो बेकार था ही, कम से कम राम जी और रावण की लड़ाई तो सही दिखा देते। जब श्री राम रावण को हरा नहीं पा रहे थे तो विभीषण ने बताया था कि इसकी नावी में अमृत है, जिसके बाद राम जी ने उनकी नावी में ब्रह्मास्त्र चलाकर उसके सारा अमृत सुखा दिया था और रावण मरते मरते श्री राम बोल के गया था। लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन हुआ, राम जी ने अपने आप ही सोच लिया कि रावण के पेट में तीर मार दो और रावण हंसते हंसते मरा था। वीडियो थोड़ी लेट बनी है क्योंकि मैं आदि पुरुष मूवी वालों की तरह हगना नहीं चाह रहा था, रिसर्च करने में, टॉपिक को समझने में और मूवी को बार बार देखने में थोड़ा टाइम लगा था, ये सब करके इसको रिकॉर्ड किया और फाइनली एडिट भी किया फोन पर। तो भाई एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में तो जरूर बताना कि तुम्हें क्या पसंद आया या फिर क्या नहीं पसंद आया आदि पुरुष मूवी के अंदर। ऐसी और भी थ्योरीज और डिटेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।